हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लोबिया के चटपटे टेस्टी कुरकुरे पकोड़े। अरे जैसा बनाइए आपको बहुत पसंद आ जाएंगे। एवं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ये तो बना लेते हैं। हमने लिए 2 कप लोबिया को हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रखे। आपको जल्दी होना तो गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखना या आधे घंटे के बाद हो जाता है। लोबिया का पानी अच्छे से मैंने पूरा निकाल ली हूँ। अब मैं पीस लूँगी। पीस लेंगे ना तो ज़्यादा दरदरा नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा एक कनी के जैसा हम रखेंगे। आपको हम बता देते हैं। देखिए इस तरह पीस लेना, लेकिन पानी बिल्कुल मत डालिए। लिए है 2 प्याज, लेकिन बड़े लेना है प्याज। 1 मुट्ठी हरा धनिया, थोड़ा सा ली हूँ करी पत्ता और 4 हरी मिर्ची ली हूँ। हम प्याज को काट लेंगे, लेकिन हम प्याज को जो काटेंगे ना मोटा मोटा ही काटेंगे। हम अगर पतला काट लेते हैं ना तेल में जाते ही पूरी प्याज जल जाएगी, इसलिए इसको ऐसे काट लेना। हमने बताए वैसे ही काट लेना। अगर प्याज जल जाए ना तो कड़वापन आ जाता है, इसलिए मोटा मोटा काट लेते हो ना तो कड़वापन नहीं आने वाला। ये ज़्यादा मोटा भी मत काटिए, ज़्यादा पतला भी मत काटिए। हमने लिए है 4 मिर्ची हरी मिर्ची, इसको भी बारीक काट लेंगे। एक मुट्ठी लिए हरा धनिया, इसको भी बारीक काट लेंगे। इस हमारे यहाँ लोबिया को क्या कहते हैं, चौली कहते हैं, और चौली के ही नाम से वहाँ पे जाना जाता है। बहुत से शहरों में चौली के ही नाम से जाना जाता है। लूँगी थोड़े से करी पत्ता भी, करी पत्ते को भी मैं बारीक काट लूँगी। पिसा हुआ लोबिया भी अब मैं डाल दूंगी। अब मैं ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले। 1 चम्मच डाली हूँ मैंने जीरा, वेन को मैंने अच्छे से मसल के ली हूँ। कुछ ऐसे चना वटाना चौली ऐसा बना लेते हैं ना, थोड़ा अजवन भी डाल देना। अजवन डालने से क्या होता है, बदहजमी का डर नहीं रहता है। मच लिए है धनिया, इसको अच्छे से मसल मसल के हमने डाले है, अच्छे से मसल के ही लेना इसको। अब चम्मच डाली हूँ मैंने हल्दी, 1 चम्मच डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये ज़्यादा तिक्की नहीं रहती है। 2 चम्मच फूल भर के मैं डालूँगी बेसन, 2 चम्मच डाली है फूल भर के। स्वाद अनुसार डाली हूँ मैंने नमक। सारे मसाले को, लोबिया को एक साथ और प्याज को एक साथ मिलाइए, मिनट तक अच्छी तरह मिला के लेना। सारे मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए, इसलिए 5 मिनट तक अच्छी तरह मिला के लेना। जब 5 मिनट तक ऐसे मसाले को मिला मिला के मसल लोगे ना, टेस्ट बहुत आता है, अच्छे से मसाले मिल जाते हैं, इसलिए 5 मिनट तक मिला के लेना।
मसाले हम मिला रहे हैं ना, तो पूरा घर है ना खुशबू से महक उठा है। कढ़ाई को हमने कर दिया है गरम और उसमें अब ऐड करेंगे तेल। तेल को है ना अच्छे से गरम करके लेना। तेल अच्छे से गरम होने के बाद फिर हम गैस को मीडियम करेंगे। हम छोटे छोटे पकोड़े इस तरह बनाएंगे। एक पकोड़े हम तेल में डाल देंगे, देखिए इस तरह छोटे छोटे पकोड़े ऐसे बनाइए और डाल दीजिए। गैस का हम फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम ही आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी पक जाए और बाहर से अच्छा सुनहरी रंग आ जाए। मीडियम फ्लेम पर अगर फ्राई करते हो ना, कोड़े में जो कुरकुरा पर रहता है ना, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही फ्राई थोड़े थोड़े होने लग गए ना, तो अलट पलट करते ही रहना ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह अब अच्छी तरह सुनहरी रंग आ गया है। देखिए अंदर तक पक गए। अब मैं निकाल लूँगी। निकाल के छालनी या टिश्यू पेपर पे रख दो। हे गाइस, कैसे लगे पकोड़े? इस पालक कांदे के पकोड़े अगर खा के हो गए हो बोर, बनाइए मेरी तरह टेस्टी लोबिया पकोड़ा। बार बना लोगे ना तो गारंटी के साथ कहती हूँ, बारिश हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, पकौड़े का लीजिए मज़ा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। गाइस फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।